गो हमारी माता है भाई, हम इसके साथ गलत करेगा, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करेगा, तो फिर हमने तो भाई शस्त्र उठाना पड़ेगा, ये तो हमारे उसमें लिखा है। फिर हमारी माँ पे कोई हाथ डाल लेगा तो फिर क्या करा भाई, देख दे रहा उसने देखा को ना भाई, आग काट देंगे, हाथ काट देंगे, जो कुछ होगा कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ठीक जी। है। हाँ, कानून का सम्मान सुलमान होगा, धर्म खतरे में, वो बोलते हैं हमें डर लगता है भाई, जिस भाई को डर लगा है अब वो जा सकता है, और नहीं आराम से रहो। अगर मक्का मदीना जाता है ना, हिंदू नाम से पहचान होती है, जैसे हिंदुओं ने जगाया, अब जो हमारे बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, ऐसे ऐसे लोगों ने जगाया, बाला साहब ठाकरे ने जगाया, योगी जी मोदी जी ने जगाया, आप हिंदू हो? मैं हिंदू कट्टर हिंदू हूं, क्या नो। पहचान नहीं मेरी, ये माला किसकी पहचान है, ये भगवा किसकी पहचान है, मैं ये नहीं करता। हाँ, अंदर तो बैठ कर हनुमान चालीसा पढ़ू, बाहर टोपी लगा गया फिरूं। इन नवीन धर्म परिवर्तन करवा था, कभी कभी अक्रांत आए थे जो यहाँ भारत में, उन्होंने भी तो धर्म परिवर्तन करवाया था हमारे हिंदुओं का, ये वही लोग तो हैं। सर, जो एक मामला चला हुआ है, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ विकास हिंदू संगठन के अध्यक्ष है, वही बातचीत करेंगे, और हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो एक अखबार की चिट्ले में बैठे हैं हमारे पास, ये बातचीत करेंगे। अब वो आखिर क्यों निकाल रखे हैं उन्होंने, तो पूछ लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, ये क्या है मामला? सबसे पहले तो एनडी हरियाणा को मेरी जय श्री राम, जय श्री राम। और आपकी एनडी हरियाणा के माध्यम से सभी हिंदू भाइयों को मेरी जय श्री राम। जी। ये जो चिट है, ये विधायक मामन खान, दिखा दे वो कैमरे में, ये दिखा दो, नहीं दिखा दो। ये विधायक मामन खान बोल रहे हैं कि अगर मोनू मानेसर मेवात में आया तो उसकी प्याज की प्याज सब फोड़ देंगे। मैं इसको कहना चाहता हूं मामन खान को कि शेर शेर से बच के रहना, हर हिंदू भाई की आवाज मैं बन के बोल रहा हूं, अगर मोनू मानेसर को खरोंच भी आई, आंखें भी दिखाई, आंखें निकालने का जज्बा रखता है हिंदू, हर हिंदू उसके साथ खड़ा है, हर हिंदू के साथ खड़ा है, जो हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगाता है उसके साथ खड़े हैं, पूरा 80 करोड़ जितने हिंदू हैं सब उसके साथ खड़े हैं, उसमें मोनू मानेसर हो कोई भी भाई हिंदू भाई हो, जो अपने सनातन धर्म के लिए अपनी जान की बाजी लगाता है, देशभक्त है, उसके साथ ये जुनेद जैसे जो बकवास कर रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं मामन खान जैसे कि प्यास, हम उनको चेतावनी देते हैं, वार्निंग देते हैं, उसकी तरफ उंगली भी कर दी तो उंगली काट देंगे, मोनू मानेसर की तरफ। मोनू मानेसर की तरफ, क्योंकि वो एक सच्चा देशभक्त है, कोई क्रिमिनल नहीं है वो लड़का, क्रिमिनल लड़का होता तो आप खुद ही उसको उसके हवाले कर देते, लेकिन वो सच्चा देशभक्त है, गौ भक्त है, और हम हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को माता का दर्जा दिया गया, और ये गंदे लोग हमारी गौ माता की तस्करी करते हैं, उनको बचाने के लिए हम अपनी जान पर खेलते हैं, मोनू भाई अपनी जान पर खेलता है लड़का, तब गौ माता को ये शेर का कलेजा चाहिए, बकवास करने बातें करने से काम नहीं चलता, कि बस बोल दिया प्याज की तरह फोड़ देंगे, अगर हम जाग गए तो हम कैसे क्या कर देंगे, आप सो रहे हो गया फिर? सो गए, जाग गए, अब तो जो सोया हुआ टाइम वो चला गया, सो रहे थे पहले इसको? हाँ ये मान लो कि हिंदू सो रहा था लेकिन आप जगने लग गया, क्यों सो गया था वो, किसने सो रहा? 2014 से पहले जो सरकार की हालत थी, जिन्होंने राज किया उन्होंने दबा के रखा हिंदुओं को, आज 2014 के बाद आज हिंदू जागने लग रहा, जाग गया, आज वो शिव की तरह त्रिशूल लेकर खड़ा है, अपनी गौ माता को बचाने के लिए, अपनी जान पर खेलने, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए, और जो ये बकवास अवैसी जैसे ये मामन खान जैसे बकवास करते हैं ना, इन जैसों को चेतावनी है, मैं नहीं बोल रहा, ये पूरे 80 करोड़ हिंदू बोल रहे हैं मेरे अंदर, अगर कोई हमारे हिंदू भाई जो देश के लिए जीतता है, गौ माता के लिए, हमारे धर्म के लिए जीतता है, उस पर अगर उंगली भी उठाई ना तो उंगली काटने की हिम्मत रखते हैं। बिल्कुल, जगह जगह पंचायतें हो रही हैं, जगह जगह लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हिंदू समाज, बजरंग दल जो मानेसर, मोनू मानेसर के समर्थन में उतरे हैं, तो आप क्या कदम उठा रहे हो उसको लेकर? हम उसके समर्थन में है, पूरा देश उसके समर्थन में, 80 करोड़ हिंदू पूरे उसके समर्थन में है, हम जो जैसी सपोर्ट होगी, जहाँ होगी, जो भी होगी, हम उसके लिए करने को तैयार हैं, अपनी जान तक दे देंगे, हम बिल्कुल। डरने वाले नहीं हम। तो मोनू मानेसर का कहीं ना कहीं आपने पता है, जुनैद और नासिर की जो हत्या की गई है उसमें नाम लिया गया है, उसको लेकर के आप क्या कहोगे? ये सारा खुलासा हो चुका है, ये सब झूठ थे, सारे तथ्य सामने आ गए, मोनू मानेसर बिल्कुल निर्दोष है लड़का,
ये जानबूझकर उसको फंसाना चाहते थे और वोट बैंक की राजनीति करना चाहते थे ताकि ये लड़का रस्ते से हट जाए और तुम फिर पूरा ना तुम साड़ा का अपना छिक कर पूरा गऊओं की तस्करी करियो भाई। फिर कहते रोकने वाला तो है को ना, तो रोकने वाला है को ना भाई, पूरा हरियाणा के पूरा भारत पूरा के लिए खड़ा छोरे दो हर हिंदू इसके साथ है। हिंदू भी यहाँ मतलब कहाँ लगा अपना गौ तस्करी, मेवात साइड में, मेवात साइड में ज़्यादा क्योंकि वहाँ मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है भाई। एक और भी तो हो गया ना, राजस्थान सरकार इस चीज़ ने मान ये उसके लगती है, हरियाणा के लगती राजस्थान सरकार है और ये इस पर बढ़ावा दे रही, लेकिन हम इस पर बढ़ावा नहीं दे रहे, हम इसको रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। गौ हमारी माता है भाई, हम इसके लिए तो पूरे तन मन धन से खड़े हैं। कोई पकड़े भी आज तक तस्कर दुनिया भर के पकड़े, ये चुने थे इस पे कितने, इन पे कितने वो थे। हम इस घटना को वैसे शर्मनाक है क्योंकि हिंदू किसी का जान नहीं ले सकता, किसी की जान बच्चा तो सका हम ले नहीं सकते, लेकिन अगर कोई हमारी गौ माता के साथ गलत करेगा, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करेगा तो फिर हमने तो भाई शस्त्र उठाना पड़ेगा। ये तो हमारे उसमें लिखा है शास्त्र में भाई, शस्त्र और शास्त्र माला और एक हाथ में अपना तलवार। अब हमारे बजरंग बली थे, गदा क्यों रखते थे, वो भगवान थे, वो इसलिए तो रखते थे जो दुष्ट हमारी तरफ लखाएगा, हमारी भाई जो हमारे कहना हमारे धर्म पे वो करेगा प्रहार करेगा। कानून की कोई जरूरत नहीं रहेगा, कानून की जरूरत क्यों नहीं, कानून हम हाथ में लेंदे ही नहीं, कानून कोई हाथ में नहीं आज तक बता दे कानून का हाथ में लिए हमने, कानून हाथ कानून उसके अंतर रिस्पेक्ट करें। लेकिन शस्त्र उठाने की बात कर रहे हैं, नहीं शस्त्र तो अपने बचाव में उठानेंगे ना, अपने बचाव में कौन नहीं उठाओगा, कोई हमारी माँ बहन की इज्जत लुटेगा तो क्या कानून के वो करेंगे हम भाई, तब तक कानून आओगा जब तक इन्हें लुटन दो। तो गौ हमारी माता ना, फिर हमारी माँ पे कोई हाथ डाल लेगा तो फिर क्या करें भाई, देख दे रहा हूँ उसने देखा कौन है भाई, आँख काट देंगे हाथ काट देंगे जो कुछ होगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है हाँ कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन कानून जब तक आओगा जब तक अपनी माँ को छोड़ दे खुलिया भाई लुटने दे इसको, ऐसा नहीं होगा। हिंदू जाग चुका है आज, हर हिंदू और जनमानस के दिल और दिमाग में ये चीज है, अपने धर्म को बचा सबसे पहले अपना धर्म है। अमर मैं गर्व की अनुभूति करता हूँ कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, धर्म कहीं ना कहीं खतरे में है क्या आपका, बिल्कुल धर्म खतरे में नहीं, जिनका उनका मुसलमानों का धर्म खतरे में वो बोलते हैं हमें डर लगता है भाई, जिस भाई को डर लगा है अब वो जा सकता है और नहीं आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ जा सकता है, अरे मुस्लिम कंट्री बहुत है, थोड़ी मुस्लिम कंट्री, अगर उनको कह रहे हैं वो हमें हिंदुस्तान में डर लगता है तो हिंदुस्तान में अगर उनको डर लगता है वो जा सकते हैं अपने देश जहाँ उनका उनको सुरक्षित महसूस हो वहां जाओ, अन्यथा यहाँ कोई खतरा नहीं है, यहाँ सब प्यार से रह रहे हैं। लेकिन कुछ कट्टरवादी जो ये है ना ये बातें फैलाते हैं, और एक और बताऊं ये क्या कह रहे हैं, हिंदुस्तान हिंदू हिंदू, अरे कोई भी अगर मक्का मदीना जाता है ना हिंदू नाम से पहचान होती है उसकी, कोई नाम से पहचान नहीं होती, तो वहां क्यों नहीं है ये बातें लगोते, वहां क्यों नहीं कहते आवाज उठाते, बिल्कुल बिल्कुल, तो इतने गुस्से में क्यों आप लोग, हर हिंदू गुस्से में, किसी के साथ गलत होगा हिंदू भाई के साथ उसको गलत फंसाया जाएगा तो हर हिंदू के अंदर आग सुलग रही है, आग इतने दिनों से हमें दबाया गया हमारे सनातन धर्म को, अगर कोई हिंदू गलत करेगा उसकी वो नहीं, कोई नहीं, अगर कोई गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, उसको सजा मिलेगी, कोई उसका समर्थन नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई सच्चाई पे अगर कोई झूठा उसका फंसाने की कोशिश करेगा तो फिर सारा हिंदू एक रोड पर आ जाएगा। जिन्होंने उनकी हत्या करी है क्या उनको सजा मिलवा, देखो अगर उन्होंने हत्या जिसने भी हत्या करी है ये बिल्कुल निंदनीय है, मानवता के खिलाफ है, हम इसको ठीक नहीं मानते बिल्कुल भी। आप उनको इंसाफ दिलाने के लिए खड़े हो गए, इंसाफ तो कानून का काम है, कानून करेगा, नहीं जो उनका परिवार वाला है, नहीं परिवार वालों का संवेदना हमारी, हम ये नहीं कहते, अगर उन्होंने गलत कराया था तो कानून सजा देता और उनको उनके पहले भी कितने केस थे, लेकिन हम इस बात के कोई समर्थन नहीं करते भाई, इसको मारना जलाना ये अच्छी बात नहीं है, ये मानवता के खिलाफ है बिल्कुल, अगर किसी ने किया है तो उसको सजा मिलेगी, वो कानून उसको अपना काम करेगा, तो किसी को झूठा फंसाना तो ये ठीक नहीं ना, कि निर्दोष भाई को फंसाना वो अच्छी बात नहीं। लेकिन दो दो परिवारों के चिराग चले गए जो उनका भी तो कहीं ना कहीं फैमिली में, तो हम उनके परिवार के जो हमारी सांत्वना है भाई, उनको हमारी जो मन की जो भावना है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको इतनी शक्ति देवे, ठीक है, लेकिन उसके उसमें किसी दूसरे घर के चिराग को भी वो करना उसको फंसाना जिसने कि कांड ही नहीं किया, तो उसके खिलाफ भी तो हमने अपना वो करना पड़ेगा ना,
ये जो बकवास करते हैं बोलते हैं, जब हिंदू प्रताड़ित हुआ तब तो ये कोई नहीं बोलता, एक आदमी नहीं बोलता, एक आदमी इनकी इनको सांप सूंघ जाए सबको, लेकिन हिंदू अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो ये ऊपर उठा दे सारी बातें, ओवैसी जैसे टोपी ओढ़ के बकवासबाजी करते रहे, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करें। भारत में इतना मान सम्मान इनको मिल रहा है, उसके बावजूद भी भारत की बुराई से किसी कुछ आता ही नहीं इनको। अच्छा, हिंदू के लिए काम कर रहे हिंदू कहाँ खतरे में लग रहे क्या अपने? बिल्कुल हिंदू कोई खतरे में नहीं है, हिंदू जाग चुका है। 2024 के बाद इसका मतलब कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है उसमें कहीं ना कहीं हिंदू मजबूत हो गया या फिर हिंदू दो 2014 से हिंदू मजबूत जाग गया है। हिंदू मजबूत तो पहले भी था लेकिन सोया हुआ था, ये मान लो सोया था। मजबूत जगाया किसने? जगाया किसने? अरे खुद हमारे जैसे हिंदुओं ने जगाया। अब जो हमारे बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, ऐसे ऐसे लोगों ने जगाया, बाला साहब ठाकरे ने जगाया, योगी जी मोदी जी ने जगाया, तो जाग गए, पहचान गए हम किस संस्कृति से, हमारा धर्म क्या है। और हम तो बिल्कुल गर्व की अनुभूति करते हैं, हाँ भाई हम हिंदू धर्म में पैदा हुए। हम तो सभी तरह अपने धर्मों का मान सम्मान करो, हर कोई अपने उसको अधिकार है, अपने मान सम्मान करो। लेकिन हमें कोई कहे कि टोपी ओढ़ कर तुम मस्जिद में जाओ तो हम नहीं जाएंगे। हम क्यों जाओगे? हम हिंदू हैं, हमारा धर्म बोलता नहीं इस बात को। वो अपने धर्म की पूरी प्रचार करो, हमें कोई मना थोड़ा नहीं है। मस्जिद में जा गए नमाज पढ़े कोई रोकता है क्या? तो धीरेन्द्र शास्त्री जो घर वापसी कर, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो घर, देखो अपनी मर्जी से, ये जो पहले अगर हमारा जो सनातन धर्म है 2,00,000 करोड़ साल पहले का है और इसको देखा जाए तो इतने मुसलमान थे, ये सब अगर आप घर वापसी आ रहे हैं, ये हिंदू थे पहले, घर वापसी आ रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है, स्वागत है। ये कोई बाहर नहीं जा रहे हैं, ये अलग धर्म नहीं अपना है, ये धर्म इनका था, इनके पुरखे थे वो हिंदू थे। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री तो पाखंड को बढ़ावा, कोई पाखंड नहीं, अब जबरदस्ती किसी को बुलाता नहीं, वो इसका दिल करे तो चले जाओ वहां से, किसी पे तलवार रख के बुलावा है वो, भाई यहाँ मेरे पास आओ, इसका दिल करे, जिसकी भावना है, जो मानता है, जिसको आराम है वो जाता है भाई, जबरदस्ती किसी को नहीं बुलाया जाता। लेकिन जो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई पाखंड कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? नहीं पाखंड ये वो, मैं उनको हिंदू ही नहीं मानता, जो ये बातें करते हैं मैं उनको हिंदू ही नहीं मानता। अरे वो किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाता, जिसकी आस्था है वो जाओ, जिसकी नहीं आस्था है वो ना जाओ, वो उसका अधिकार है, वो सनातन धर्म अपने धर्म की ऊपर जो क्या नाम है, क्या क्या बोलते हैं उसको, बढ़ावा कर रहा है, दे रहा है अपने धर्म को। हर आदमी को ये वो है, अधिकार है वह अपने धर्म को, उसकी व्याख्या करो, उसका बढ़ावा करो, तो कोई रोकने वाला थोड़ा ही नहीं है। तो कई महात्मा हुए पहले भी, उनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या लगता है ये भी कहीं ना कहीं गलत कर रहा है कुछ? नहीं बिल्कुल गलत नहीं कर रहा, कोई गलत नहीं कर रहा। अब मेरे को, मैं अपने धर्म के प्रति अगर मैं अपनी आवाज उठाऊंगा, अपने धर्म के गुणगान करूंगा तो किसी को मिर्ची क्यों लगती है भाई? लेकिन वो कह रहे हैं ना कि भाई जो ठीक करते हैं जो रोगियां हैं, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अस्पतालों को तो बंद कर दो फिर। नहीं अगर अस्पताल बंद होते हैं तो अच्छी बात है, देखो अगर किसी को आराम मिलता है तो उसको इसमें उनको दिक्कत क्या है भाई? किसी को बगैर पैसे, वो कोई पैसे नहीं लेता किसी से, कोई एक रुपया नहीं लेता, तो वो मिर्ची क्यों लगती है लोगों को? एक हॉस्पिटल भी बनवा, गरीब आदमी अगर वहां जाने से किसी को आराम मिलता है, उसके पास बेचारे के पैसे नहीं है हॉस्पिटल में जाने के लिए, तो किसी को मिर्ची क्यों लगे भाई? अच्छा इसका मतलब आप लग रही भाई हॉस्पिटल वाला काम कर रहे हो? अरे वो तो परमात्मा की वो है, हमारे जो धर्म में है, हम हनुमान को मानते हैं, भोलेनाथ को मानना है भाई, हम राम जी ना मानना है, तो अगर हम राम जी के नाम लिए तो हम ठीक होते हैं, तो भाई इनने की दिक्कत आ रही है, इनने नू बता, इनने कोई तकलीफ है? ये अपने आप को, अपने मानसिकता को सुधारो, अपने मानसिक ना ठीक करो भाई। ये कौन लोग है जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं? ये कोई कुछ लोग तो आपके धर्म से ही है। नहीं कुछ मैं हिंदू धर्म के आई कौन है मेरे भाई? हिंदू धर्म ने जिन्हें गौ माता का दूध पी लिया अपनी माँ का, जिनने हिंदू धर्म में जननी का पैदा हो गया, वो ये बात करे कौन है? वो नहीं करा करता ये बात। जो कट्टर हिंदू है वो बोल लेगा ना भाई बढ़िया काम है ये, तो ये है ही नहीं हिंदू, मैं इन्हें मानता ही नहीं, मैं मेरा विश्वास नहीं है हिंदू ही नहीं, मैं तो नू मानू इन्हें हिंदू को, मैं तो मानता ही नहीं। आपकी क्या पहचान? आप हिंदू? मैं हिंदू कट्टर हिंदू हूँ, क्या पहचान नहीं मेरी? ये माला किसकी पहचान है? ये भगवा किसकी पहचान है? मैं ये नहीं करता, हाँ अंदर तो बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ू, बाहर टोपी लगा के फिरूं, मैं बिल्कुल अपने पर गर्व करता हूँ, मैं हिंदू हूँ कट्टर हिंदू, और मेरा कोई संकोच नहीं, मैं नू कहूँ मैं
मैं कोई वोट बैंक का लालच नहीं, मैं मेरे को कोई वो नहीं है। आप दूसरे धर्म का मान सम्मान नहीं कर सकते? हाँ मान सम्मान बिल्कुल है। फिर आप टोपी पहन के मस्जिद में जा सकते? बिल्कुल नहीं जा सकता, मेरा धर्म मेरे को ये इजाजत नहीं देता। उन तब्बू चुमे आ सका, अगर वे आ भी सका तब भी, लेकिन मैं नहीं जा सकता। अच्छे जी, हाँ बिल्कुल, जो वो आए तो वो आओ, बड़ी अच्छी बात है, आओ तो हमारे भगवान में, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में आस्था करेंगे, उनके भी रोग कट जाएंगे, उनके भी संकट कट जाएंगे। भाई यहाँ तो कटन लायक रे, जो और आओ उनके कटा, इनके भी कटेंगे। बिल्कुल, तो फिर आओ, हम तो मोस्ट वेलकम करें, आ जाओ भाई। और फिर थे ये हिंदू, पुराना इतिहास उठा, ये हिंदू ही थे भाई, ये तो मुसलमान बने, अगर घर वापसी कर रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है इनके। तो घर वापसी कर रहे हैं तो देवेंद्र शास्त्री जी, घर वापसी बहुत बढ़िया, किसी के भी कारण अगर हो जाए इनकी, इन कोई भूलिया बिसरा भाई को करे चला जावा घर में, कलेश हो जाए। और फिर तेरे पर का कोई भाई मना के लिया, चल बेटा मैं चल लू तेरे के, चल मैं कहूँ तेरे बाबू थे इतना घर रख लेंगे, तो उसमें दिक्कत क्या है? नुबत अगर कोई धीरेन्द्र जी शास्त्री जी ऐसा काम कर रहे हैं भाई, तुम अपने घर ना वापिस आओ या डरो, ठीक है भटक गए थे तुम चले गए। उस धर्म में क्या दिक्कत है उनको? वो तो वही जाना भाई, हमने उससे तो कोई मतलब नहीं, हमने तकलीफ नहीं उनके धर्म से, हमने कोई तकलीफ नहीं, लेकिन वो तो वही जाना है ना कि उन्हें हमारा धर्म बढ़िया लग गया, अपना ही उनका ही धर्म, पुराना धर्म अगर सनातन धर्म उन्हें अच्छा लग गया तो वापिस आ गया भाई। लेकिन ये कहा जाता है कि कोई धर्म गलत नहीं होता, सभी धर्म बढ़िया है। भाई हम तो किसी को आलोचना नहीं कर रहे किसी धर्म की, हमें तो आलोचना कर रहे हो जोनी जी, हमारे आलोचना कर रहे हैं क्या किसी की? भाई हम कोई मस्जिद में जाओ, हम उन्हें रोक रहे हैं, पकड़ रहे हैं, मानो में, लेकिन हमारा धर्म पे हमने कोई रोक दिया के? लेकिन धर्म परिवर्तन करवाना उसको भी, धर्म परिवर्तन अपनी मर्जी से कर रहा है, उन्हें बढ़िया लग गया धर्म परिवर्तन, इन्हें भी तो धर्म परिवर्तन करवा था कभी कभी, अक्रांत आए थे जो यहाँ भारत में, उन्होंने भी तो धर्म परिवर्तन करवा था हमारे हिंदुओं का, ये वही लोग तो है। अगर ये वापिस आ रहे हैं अपने घर तो दिक्कत क्या है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि वे हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्या कितना हिंदू राष्ट्र ये पहले भी था, आज भी है ही, चलो जो कह रहे हैं ठीक है, उनकी भावना है मन की, अब अपनी भावना है, उनके भावना ये अंदर से निकल रही है, बोल रहे हैं तो क्या क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र तो है ही, ये कब नहीं था हिंदू राष्ट्र, ये बताओ इतिहास उठा कर देखो लिखित में कहा है? अरे लिखित में जिसके संविधान तो सभी धर्मों को, जिसके दिल में लिखा है संविधान तो सभी धर्मों को, संविधान को हम मान रहे थे, पर यहाँ भी सब धर्म के लोग रह रहे हैं ना, सब धर्म के लोग यहाँ रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सब रह रहे हैं, पाकिस्तान से अच्छी तरह रह रहे हैं, पाकिस्तान में 160-170 रुपए किलो आटा है, वहां जाओगे तो वहां मर जाएंगे, पाकिस्तान की जितनी जनता है वो ये कह रही है भारत में हमें विलय कर दो, क्योंकि वहां इतनी भूखमरी फैल गई, यहाँ हमारा देश खुशहाल है जी, इसी नुए तो कह रहे होंगे मैं, हमने भारत में चलने दो, यहाँ भूखमरी नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल कौन भूखा है बताओ, फ्री में अनाज मिलने लग रहा, कितने कोरोना के टाइम तक आज तक फ्री अनाज मिल रहा हर भाइयों ने। आपने दिल्ली में जाकर देखा कितने गरीब बच्चे भीख मांगते, कितने भीख मांगा वो, उन्हें पता है बिजनेस बना लिया उन्होंने अपना, इसलिए बना था सरकार की तरह, सरकार जो सेंटर सरकार है, गवर्नमेंट सरकार 2020 में आई थी शायद कोरोना, तब से आज तक और अभी भी पूरा साल भाई पूरा करती फ्री नाज है, कोई भूखा नहीं, सबके घर में जाएगा देख सको, नाज नाज पड़ा बता, तो इस तबत्ती और के भाई सरकार में और के ले हो गए, सबसे बड़ा मैं तो धर्म ना मानू, राष्ट्र सब बत्ती मानू, उसके बाद मैं अपने आप ना मानू, पहले मेरा देश है, मेरा देश रहना चाहिए, चाहे हम तो नष्ट हो जो आज कोई दिक्कत नहीं, मेरा देश मेरा धर्म मेरा राष्ट्र रहना चाहिए, सनातन धर्म की जय हो। बिल्कुल, हमारे साथ विकास जी मौजूद थे, कैसे विचार लगे आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। तोड़ पैड दिए जी इंट्री में, सही है, कितनी देर को यहाँ।